विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती पर माने शिक्षक दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। गुरु अपने शिष्य को अपनी छाँव में ला करके उसे कमज़ोर नहीं बनाता, बल्कि उसको उसकी ही क्षमताओं से परिचय करा करके उसे और ताकतवर बनाता है। मैं जब हाई स्कूल में गया तो दीवार पे एक लाइन लिखे थे, विद्यार्थी देश के भविष्य होते हैं। मैंने जब अपने टीचर के करियर में आया तो उसमें एक लाइन और जोड़ा, अगर विद्यार्थी देश के भविष्य होते हैं तो विद्यार्थी का भविष्य उज्जवल किया जाए तो देश का भविष्य अपने आप उज्जवल होगा। मतलब बिल्कुल सीधा है, विद्यार्थियों को जिस डायरेक्शन में ले जाया जाए उस डायरेक्शन में ही पूरा देश जाएगा। देश का भविष्य सुधारनी है तो विद्यार्थियों का भविष्य सुधारना होगा। विद्यार्थी मित्रों, अर्जुन से जब उनके गुरु ने सवाल पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने उत्तर दिया, मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया का आँख दिखाई दे रहा है। मतलब बिल्कुल सीधा है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी लक्ष्य दिखाई देनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। उठो चलो तब तक जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो लक्ष्य की प्राप्ति तब होगा जब आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके लक्ष्य पे होगा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा दो मार्ग होते हैं, एक आसान मार्ग और एक कठिन मार्ग। जरूरी नहीं है कि आसान मार्ग आपको हर समय लक्ष्य दिलाए ही दिलाए, पर कठिन मार्ग आपको हमेशा लक्ष्य दिलाता ही है। और शायद कारण हो सकता है ये कि आजकल लोग हमेशा जल्दी 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 आसान तरीके खोजते हैं। अगर कठिन तरीके खोजा होता तो शायद कुछ और परिणाम आते। विद्यार्थी मित्रों, आज भारत देश में करप्शंस भरे हुए पड़े हुए हैं। जब द्वापर का अंत होने वाला था, कलयुग का शुरुआत होने वाला था, तो भीम को बहुत तेज भूख लगा। पांडव के पास देने के लिए कुछ नहीं था। रास्ते से चल के जाते जा रहे थे तभी वहां पे खरबूजा दिखाई दिया। उन्होंने खरबूजा पेट भर खाने भर तोड़ लिया, पर अंगुली में हीरे का नग लगा अंगूठी पहना हुआ था। कीमत के रूप में हीरे का नग वाला अंगूठी दे दिया। मालिक था नहीं, खरबूजे के बेल में ही बांध दिया। अगर ऐसे ही एक उदाहरण दूं मैं, तो भारत देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री फटे हुए धोती में अपने शपथ पत्र पढ़े थे। जब उनकी पत्नी ललिता शास्त्री कहती हैं, अब तो आप प्रधानमंत्री हो चुके हैं, अब आप नई धोती ले लीजिए, तो उत्तर दिया जाता है उनको कि जब तक भारत देश के गरीब से गरीब व्यक्ति फटा हुआ धोती पहनता है, मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं नया धोती पहनूं। मतलब बिल्कुल सीधा है, भले ही आपकी सैलरी 10,000 की हो, ईमानदारी 10,000 करोड़ की होनी चाहिए।
शायद इस तरह से हम एक ईमानदार भारत को जन्म दे सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप हमेशा सूर्य का अनुकरण करें। सूर्य जब भी उदय होता है, ना ही रुकता है ना ही मुड़ता है, हमेशा आगे की ओर बढ़ता ही चला जाता है। इंसान हो या हथियार, काम तभी करता है जब तक कि जंग ना लगा। आप तब तक ही काम करते रहेंगे जब तक आप में जंग ना लगा हो। इसलिए आप हमेशा प्रैक्टिस में ही रहें, आप हमेशा प्रैक्टिस में ही रहें और एक आदर्श विद्यार्थी बने। आदर्श विद्यार्थी का मकसद हमेशा और हमेशा सीखना होता है। जरूरी नहीं कि वो ज्ञान गुरु के पास से ही मिले। हमेशा और हमेशा सीखना होता है। सीखने की ना ही कोई सीमा है ना ही कोई समय है। इसलिए आप हमेशा सीखने की ओर बढ़ें, उन्नति की ओर बढ़ें। एक गुरु का कार्य कुछ चंद प्रश्नों का उत्तर या कुछ चंद चीज़ें सिखा करके एग्ज़ाम पास करा देना ज़बरदस्ती, ये नहीं होता। बल्कि एक विद्यार्थी को उसके आने वाले कल की समस्याओं से लड़ने लायक बनाना, आने वाले कल के परिस्थितियों से जूझने लायक बनाना होता है, ताकि आने वाले कल की परिस्थिति में वो कहीं डिमोटिवेट ना हो सके, आने वाले समस्याओं से पीछे ना भागे, उससे लड़ करके सामना करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। विद्यार्थी मित्रों, आप जहाँ भी जाएं, आप जिस भी प्रोफेशन में जाएं, आप पूरी निष्ठा के साथ अपनी काम करेंगे, पूरे निष्ठा के साथ ईमानदारी के साथ अपना आप काम करेंगे और एक भारत देश को एक नया मोड़ देंगे। इस तरह से एक भारत देश को श्रेष्ठ नागरिक बनते हुए नया मोड़ आप देंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।